हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका नए ऐसे वीडियो में। गाइस वेलकम टू ग्वालियर। तो मैं शिवपुरी में था, जैसे आपने देखा सुबह मैं शिवपुरी में था। सो ये भाई साहब है पुलिस में, जो कि मुझे यहाँ ग्वालियर तक लिफ्ट दी उन्होंने। ठीक है, सो आगे का प्लान ये है कि मैं ग्वालियर फोर्ट एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो आपको ये ब्लॉग अलग से मिलेगा और ये जो डेली ब्लॉगिंग चल रहा है हमारा वो अलग से होगा। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑल राइट, सो जैसे आप लोगों ने देखा कि वो भैया ने मुझे शिवपुरी से उठा कर यहाँ तक लिफ्ट दे दी, मतलब ग्वालियर तक। और वहाँ से फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पर है। सो फिलहाल मैं जा रहा हूँ फोर्ट की तरफ और लोग यार घूर घूर कर देख रहे हैं मुझे और पूछ रहे हैं। दो लोगों ने पूछा भी कि भैया ये क्या है आपके पीछे, ये बैग है, आई मीन वो बैग में क्या है इतना। उनको बताना पड़ रहा है कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ, आई मीन स्ट्रगलर यूट्यूबर हूँ फिलहाल। सो मैं घूमता हूँ तो बोलते कि क्या है, आई मीन जो मोबाइल में ट्राईपॉड लगा हुआ है स्टैंड के लिए। सो वो भी पूछते कि ये क्या क्या होता है, इसे क्या होता है, ये आपके हाथ में क्या है, ये मोबाइल क्यों लगा रखा है इस पर। यार मतलब कि अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। लोग चिल्ला के पूछते हैं कि ए भाई ये क्या है, क्या कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। सो ठीक है, हमारा काम है, हम तो करेंगे भाई, बाकी जिसको जो बोलना है बोल सकता है। वो अच्छा लगता है यार गाइस कि रास्तों में इतने भी अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं कि जो भी हमें लिफ्ट देता है वो पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। जब उनको मैं बताता हूँ व्हाट इज़ माय मोटो, सो लोग बहुत प्यार से आई मीन ट्रीट करते हैं मुझे। तो भाई सब बिना वजह हॉर्न बजा रहे यार, बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं कि नाश्ता कुछ ब्रेकफास्ट हो वो भी खिलाते हैं, आई मीन चाय तक पिलाते भाई। ऊपर से दो दिन पहले एक बंदा था, मिला था मुझे, वो पैसे भी दे रहा था कि भाई ये ले लो, मैं बस का किराया कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। तो मतलब नहीं यार, देखो ये मैंने संकल्प किया है कि नहीं मैं लिफ्ट लेकर ही जाऊँगा। सो लिफ्ट लेकर ही जाऊँगा, मतलब मैं भी जा सकता हूँ यार बस करके या कुछ ट्रेन से, बट हमें नहीं जाना है। सो यार बीच सड़क में ब्लॉक करने की यही बड़ी बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि शोर बहुत होता है और हॉर्न भी बहुत बजाते हैं लोग। गाइस यहाँ के आई मीन ग्वालियर के ऑटो की जो सिस्टम है वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि हर ऑटो को एक स्पेसिफिक सीरियल नंबर दिया हुआ है। ये देखो ये सामने ऑटो जा रहा है, ये 4 नंबर का ऑटो है, और 4 नंबर 3 नंबर 5 नंबर ऐसे नंबर दिए गए यहाँ पे। और मतलब जो नंबर वाला ऑटो है वो उसका रूट फिक्स है। चाचा जी सुनो, ये जो आपने ऑटो बोला 3 नंबर का किला गेट जाता है, अच्छा तो और कहाँ कहाँ जाता है 3 नंबर का ऑटो? आपको जाना है कहाँ? हमें किला गेट जाना है, लेकिन हमें हम नहीं इस शहर में, तो किले के ऊपर जाना। हाँ जाना। अच्छा ये 2 नंबर का जा रहा है अभी? 3 नंबर जा रहा। अच्छा 3 नंबर का, अच्छा ठीक है। The next day. Alright, so hey guys, good morning. अभी 7 बज रहे, मैं कल ग्वालियर आया था, मुझे ब्लॉग कल ही एंड करना था लेकिन बहुत थका हुआ था, सो गया था और जस्ट अभी उठा हूँ। सो ये ब्लॉग मुझे एंड करना है। आई मीन कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा है मेरे लिए। कल मुझे कुछ समस्या, आई मीन सोशल वर्कर थे, उनके साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया मेरा, जो बहुत तो बढ़िया वर्क था उनका। वैसे वो मैं शूट कर रहा था शिवपुरी में, सो वो रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने मुझे देखा फिर रोका और बाद में पूछा मेरे से कि क्या कर रहा है क्या नहीं। सो मेरे और उनकी मतलब बातचीत चल रही थी, बातचीत के दौरान उन्होंने भी उनके बारे में मुझे बताया। सो वीरेंद्र शर्मा नाम है उनका, जिनका उपनाम गोल्डी भी है।
बहुत अच्छा वर्क करते हो, उन्होंने BSW भी किए, आई मीन बैचलर ऑफ सोशल वर्क, देन उसके बाद MSW भी किया, फिलहाल अभी समाज सेवा कर रहे, 35 ईयर्स ओल्ड है वो, मतलब कि अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है, सो उनके घर में उनकी माँ खाना बनाती है और वो लोगों को हर मंगलवार को बांट देते, मतलब कि जो शिवपुरी में टेम्पल है माँ राजेश्वरी माता और नागेश्वरी माता का, वह हर मंगलवार को वो गरीबों में रोटियां बांट देते हैं। आई मीन उनके साथ एक सीन हुआ था जो कि 16 सितंबर 2014 को, कि वो जब टेम्पल में गए थे तो उन्होंने एक बाहर बैठे हुए आदमी को 5 रुपए का सिक्का दिया था, तब वो आदमी उनको बोला था कि 5 रुपए में बच्चे का भी नहीं पेट भरता, सो मेरा कैसा भरेगा। देन उसके बाद उन्होंने सोचा कि रुपए देने से तो कुछ फायदा नहीं होगा, उनका पेट भी भरना चाहिए, तब से वो हर मंगलवार को 22 सितंबर 2014 से हर मंगलवार को वो गरीबों में खाना बांटते आए हुए। उनके साथ उनके सहयोगी भी है, उन्होंने मुझे बताया था कि डॉक्टर सीताराम गुप्ता, श्री सुशील दीक्षित जी, ओम पुरी गोस्वामी जी और उनकी माँ है गीता शर्मा जी, इनके मार्गदर्शन के नीचे वो आज तक निरंतर सेवा उन्होंने जारी रखी है। उनसे बातचीत करने के दौरान उन्होंने मुझे बताया, मतलब उनकी बातों में ऐसा लग रहा था कि उनका सिंपल सा इतिक्स है जो कि उनका यहाँ आने का उद्देश्य है कि अपनों में खुशियाँ बांटना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना। अगर हम इस उद्देश्य में सफल हो जाएंगे तो चारों धाम का तीर्थ हम यही प्राप्त कर लेंगे, बस इतनी सिंपल सी बात उनके इथिक्स में है जो कि बहुत अच्छी है यार। फिलहाल आप उनका काम देख के आओ, सो आपको भी यकीन हो जाएगा। कहाँ से आए हो आप? नाम बताओ आपका। नाम बताओ आपका। मीना साहू। मीना साहू। साहू साहू साहू। साहू। और आपका नाम? मेरा नाम बीरेन शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता शिवपुरी से हूँ मैं, अच्छा, और मेरा निवास स्वास्थ्य कॉलोनी में है। 16 सितंबर 2014 से निरंतर सेवा जारी है, निर्धन असहाय लोगों की सेवा करना मेरा उद्देश्य बन गया है। मेरे जन्मदिवस के अवसर पर मैं जो है आया हुआ था, मंदिर से दर्शन से निकल जाता अच्छा तो मैंने एक व्यक्ति के लिए 5 रुपये सिक्का दिया, तो वो बोलता साहब आपके 5 रुपये में बच्चे का पेट भर जाता है क्या? नहीं, बच्चे का पेट तो नहीं भरता, तो फिर हमारा पेट कैसे भरेगा? नहीं साहब, अगले मंगलवार से आपके लिए भोजन सेवा रहेगी। उस दिन का दिन से निरंतर सेवा जारी है, हर मंगलवार को गरीबों को भोजन सेवा कराते हैं हम आपको। हम अपने आपको बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम लोगों को इन लोगों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, और माँ भगवती की ऐसी कृपा है वो सदी बनी रहे हमारे पास। अच्छा, कितने लोगों से मिले हुए आप? कितने लोगों की सेवा की होगी आपने? गरीबों में खाना बांट रहे हैं अभी 20-25 लोगों से मुलाकात हो चुकी है। अच्छा, अभी आज के दिन? हाँ, आज के दिन अभी मंदिर के अंदर बांट चुका हूँ। मंदिर के अंदर हर रोज आप खाना बांटते हैं या सिर्फ मंगलवार के प्रत्येक दिन? मंगलवार को, जब से कोरोना काल लगा, से पैकिंग जब से कोरोना काल लगा हुआ है, अच्छा, 20 मार्च 2021 से 20 मार्च 2020 से कोरोना काल लगने के कारण ये पैकिंग व्यवस्था में बांटना शुरू कर दिया। अच्छा, पहले यहाँ पर बिल्कुल टाट पट्टी बिछा खाना किया जाता था। आप प्रॉपर शिवपुरी से? हाँ, प्रॉपर शिवपुरी से। अच्छा, काम क्या करते थे आप इससे पहले, मतलब जॉब करते थे आप? इससे पहले मेरे मावे का व्यापार था। अच्छा, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका काम ऐसे ही चलता रहे और आपके हाथों से और भी लोगों की सेवा होती रहे, ऐसे ही प्रार्थना करता रहूँगा मैं भगवान से, और आपकी जो भी इच्छा हो पूरी होगी। जी, आप इनको जानते हैं जिन्होंने आपको रोटी खिलाई अभी? क्या नाम है इनका? जानते नहीं। गोल्डी। नाम क्या है इनका? गोल्डी। मेरा गोल्डी। गोल्डी जिनको उन्होंने आपको खाना खिलाया? खिलाता है तो खिलाते हैं। मालूम है खिलाते हैं। कब आते हैं इधर आपको खाना खिलाने के लिए? नहीं आए तो बाप खाते मैं तक मैं खाते हैं काली बाप मैया कब आते खाते हैं वो मैया। पहले आप उधर थे, अभी इधर आ गए? चले जाते हैं, चले जाते हैं, तो खानों का भी हम यही जाते, खानों का भी यही खाते हैं। आपका क्या नाम है?
मैना इसको जानती है आप? जानती हूं। हर मंगलवार को आते हैं इधर, सही बात है? मंगलवार का बात है। अच्छा, पेट भर जाता है आपका इतने खाने में? आओ। अच्छा ठीक है। ओके सो गाइज, भगवान उनको लंबी उम्र दे, उनके हाथों से ऐसे अच्छे अच्छे कर्म करते रहे और उनकी समाजसेवा ऐसे ही निरंतर चलती रहे। इतनी दुआ हम उनके लिए कर सकते हैं। सो उनके बाद उन्होंने मुझे शिवपुरी से आगरा बाईपास तक छोड़कर लिफ्ट भी करवा के दी। सो लिफ्ट के दौरान मुझे अमृतलाल भाई मिले, जो अपने वीडियो में देखा, जो मुझे ग्वालियर तक लेके आए। सो वो भी बहुत अच्छे इंसान है, भगवान उनका भी मतलब जो भी उनके टेंशन है वो तो पर्सनली मैं आपको बता नहीं सकता, वो सबको दूर करे। और दोनों को भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मेरे सफ़र के दौरान बहुत बढ़िया साथ दिया। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज एक ऐसी जगह हम जाने वाले हैं जो कि एक सरप्राइज है आपके लिए। सो वो तो मैं अभी दिखा सकता हूँ आपको, वेट। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो हम जा रहे हैं वहाँ। आई होप आपको मालूम हो गया हो कि हम कहाँ जाने वाले हैं। सो गाइज, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और जो भी उसके बारे में कुछ रहा है तो कमेंट करो। बाय।